अगर आप भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम से लंबे समय से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि डैंड्रफ किस कारण से होता है, डैंड्रफ क्या होता है, इसे रोकने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, और अगर ये बहुत सीवियर हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट बीकानेर, राजस्थान से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि डैंड्रफ एक्चुअली होता क्या है, ये कोई नॉर्मल स्किन कंडीशन है या फिर ये कोई बीमारी है। तो दोस्तों, ये बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि डैंड्रफ एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह की स्किन कंडीशन है जो आमतौर पर 50% से भी ज्यादा लोगों में लाइफ के किसी न किसी स्टेज में देखी जाती है। मोस्ट कॉमनली ये एडोलेसेंट एज ग्रुप में देखा जाता है, यानी कि 13-14 की उम्र से शुरू होकर 25-26 साल की उम्र तक ये मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। तो डैंड्रफ एक्चुअली होता क्या है, ये होते हैं आपके जो शेड हुए, जो निकले हुए स्किन सेल्स होते हैं, जो आपके बालों के बीच में फंस कर रह जाते हैं, उन्हें ही हम डैंड्रफ के नाम से जानते हैं। तो डैंड्रफ होने का कारण मेनली क्या होता है दोस्तों, हमारी पूरी स्किन जो होती है, हमारे शरीर के हर भाग की स्किन कॉन्स्टेंटली शेड होती रहती है, यानी कि हमारी स्किन एक बहुत ही डायनामिक स्ट्रक्चर है। जो ऊपर की डेड सेल्स की लेयर होती है स्किन की, वो कंटिन्यूअसली झड़ती रहती है। केवल स्कैल्प की नहीं, बल्कि पूरी बॉडी की, शरीर के हर भाग की स्किन कॉन्स्टेंटली शेड होती रहती है, लेकिन बाकी जो एरिया रहते हैं स्किन के, नॉर्मली उनकी शेडिंग हमें इतनी नजर नहीं आती है, क्योंकि आपकी स्किन के एंजाइम्स, आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं, उनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब शेड होते हैं तो हमें वो नजर नहीं आते हैं। फिर भी कुछ लोगों में, जैसे कि सर्दी के टाइम पर आप देखते होंगे, जब आपकी स्किन शेडिंग थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, स्किन थोड़ा ड्राई होने लगती है, तो शरीर के बाकी हिस्सों पर भी आपको स्किन के फ्लेक्स नजर आने लगते हैं। उसी तरह से जब आपके स्कैल्प की स्किन की शेडिंग बढ़ जाती है किसी भी कारण से, अगर ये स्किन शेडिंग का रेट इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा तेजी से सेल झड़ने लग जाते हैं, तो हमें अपने स्कैल्प पर डैंड्रफ नजर आने लगता है। तो इस स्किन शेडिंग के इंक्रीज होने का क्या क्या कारण है, यानी कि डैंड्रफ ज्यादा होने के क्या क्या कारण है दोस्तों, डैंड्रफ होने का जो प्रमुख कारण होता है आपके स्कैल्प पर, वो होता है एक तरह का फंगस का इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं मेलेसीजिया ग्लोबोसा। दोस्तों, ये फंगस जो होता है, मेलेसीजिया नाम का जो फंगस होता है, ये एक तरह का ऑयल लविंग फंगस होता है, यानी कि ये उन जगहों पर ग्रो होता है जहां पर स्किन पर ऑयल ज्यादा मात्रा में मौजूद हो। ऐसे एरियाज को हम कहते हैं सिबोरिक एरियाज। सिबोरिक एरियाज में आपका स्कैल्प एक बहुत कॉमन एरिया है, यानी कि सबसे प्रोमिनेंट सिबोरिक एरिया है आपके पूरी बॉडी में। इसके अलावा भी आपके फेस पर ऐसे कई एरियाज होते हैं जहां पर ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा मात्रा में, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये एरियाज होते हैं आईलिड्स के ऊपर, या फिर आपके नाक की साइड में, या फिर आपके कान के पीछे। ये मोस्ट कॉमन जो आपके फेस पर मौजूद सिबोरिक एरियाज हैं, वो होते हैं। और कुछ केसेस में जब डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, तो ये जो स्केलिंग होती है, जो शेडिंग होती है, ये आपके स्कैल्प पर ही सीमित ना रहकर आपके बाकी सिबोरिक एरियाज पर भी स्प्रेड होने लगती है, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो ये फंगस आपके स्किन सेल्स की शेडिंग कैसे इंक्रीज करता है, मेलेसीजिया से आपके डैंड्रफ की मात्रा कैसे बढ़ती है दोस्तों, जो ये फंगस होता है, ये आपकी स्किन से जो नॉर्मली ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको डिग्रेड करता है। जो नॉर्मल आपकी स्किन में ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसको ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसमें से कुछ भाग तो वो कंज्यूम कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए, कुछ ऑयल को तो वो खा जाता है, और बाकी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें वो आपकी स्किन के सरफेस पर ही छोड़ देता है। तो ये जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयल के डिग्रेडेशन के बाद में बचने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपकी स्किन पर दो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये आपकी स्किन का शेडिंग का रेट, यानी कि आपके स्किन सेल्स का टर्नओवर रेट इंक्रीज कर देते हैं, और दूसरा ये आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, आपकी स्किन को इन्फ्लेम करते हैं, जिस वजह से आपकी स्किन पर रेडनेस पड़ जाती है, जिससे आपकी स्किन पर इचिंग ज्यादा आने लगती है,
और कुछ केसेस में ज्यादा इचिंग आने से वहां पर घाव भी बन जाते हैं, जहां पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है। तो अर्ली स्टेजेस में जब हम देखते हैं तब हमें डेंड्रफ केवल छोटे छोटे व्हाइट फ्लेक्स की फॉर्म में नजर आता है, लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन का इन्फ्लेमेशन। तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस इसे हम तब कहते हैं जब आपके स्कैल्प पर स्केल्स होने के साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग, रेडनेस या इन्फ्लेमेशन के साइंस भी हमें नजर आते हैं। और ऐसे केसेस में ये आपके आईब्रोज पर, आईलिड्स के ऊपर, आपके नोज के कॉर्नर्स पे, आपके कान के पीछे और आपकी बॉडी के बाकी सिबोरिक एरियाज जैसे कि बैक पर या फिर चेस्ट के सेंट्रल एरिया में भी स्प्रेड हो सकता है। तो ये तो बात रही कि डैंड्रफ क्या होता है और किस वजह से होता है। अब इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डैंड्रफ क्लेनलीनेस की कमी की वजह से होता है। अगर आपकी स्किन, अगर आपकी बॉडी में ऑयल ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आपके स्कैल्प की स्किन ज्यादा मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो आप उसे रेगुलर वॉश करते भी रहेंगे, आप डेली स्नान भी करेंगे, तो भी आप डैंड्रफ से कई बार पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो जब भी आप देखेंगे आपको डैंड्रफ ज्यादा हो रहा है, किसी और को डैंड्रफ ज्यादा हो रहा है, तो हमें ऐसा एज्यूम नहीं करना है कि ये बंदा तो नहाता नहीं है या फिर ये रेगुलर अपना हेड वॉश नहीं करता, इस वजह से इसको डैंड्रफ हो रहा है। ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आपके ऑयल के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, आपके ऑयल प्रोडक्शन के अमाउंट पर डिपेंड करता है, आपके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन मेनली क्लेनलीनेस की कमी की वजह से नहीं होता है, ये हमें आपको किसी को भी हो सकता है। तो इससे कंट्रोल में लाने के लिए हम कई तरह के एंटी फंगल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, जिसमें प्रीडोमिनेंटली जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एंटी फंगल शैम्पू। एंटी फंगल शैम्पू आपको कई तरह के प्रिपरेशन में मार्केट में मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें कीटोकोनाजोल और ललिकोनाजोल बेस्ड शैम्पूज आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। इसके अलावा ZPTO या फिर साइक्लोपिरॉक्स नाम के एंटी फंगल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो जिनका कॉम्बिनेशन कई तरह के शैम्पूज में पाया जाता है। इसके अलावा जब स्कैल्प पर फ्लेकीनेस ज्यादा होती है तो उन केसेस में हम कुछ केराटोलिटिक एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड। इसके अलावा कोल्ड टार भी आपकी स्किन पर एक्सेसिव फ्लेकीनेस को कम करने में हेल्प करता है। तो इन सारे कॉम्पोजिशन वाले शैम्पूज को हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन सब चीजों से भी आपका डैंड्रफ कंट्रोल में नहीं आता है तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इन केसेस में आपको कुछ ओरल एंटीफंगल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो आपको अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कई लोग डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि वो दही, छाछ या फिर नींबू के रस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं ये आपके स्कैल्प के एनवायरनमेंट को ज्यादा एसिडिक बनाती हैं, जैसे कि दही छाछ में लैक्टिक एसिड और नींबू में भी एसिड मौजूद होता है। इन्हें लगाने से आपके स्कैल्प का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है, जिससे कि मेलेसिस या फंगस की जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, जिस वजह से डेफिनेटली आपका डैंड्रफ कम होता है। लेकिन अगर आपके स्कैल्प में पहले से इन्फ्लेमेशन मौजूद है तो इन एसिड्स का यूज करने से आपके स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ सकता है और आपकी स्कैल्प में होने वाली जो इचिंग और रेडनेस है वो कई केसेस में बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपको ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने से बचें और टाइमली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।